मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस चुनाव में AIMIM ने भी पहली बार अपना खाता खोला है। चुनाव से पहले AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से एक्टिव मोड में देखा गया था, उसका कुछ हद तक असर भी हुआ है। हालांकि इस चुनाव में वे बहुत ज्यादा कमाल तो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी पार्टी ने 3 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश नगर परिषद में पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का प्रवेश होने जा रहा है। AIMIM ने जबलपुर में नगर परिषद की 2 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। वहीं उसे 1 सीट पर जीत खंडवा में भी मिली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को जीत भले ही 3 सीटों पर मिली है, लेकिन ये जीत भी उसके लिए बहुत मायने रखती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में AIMIM की ये सफलता कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रही है कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ भी कुछ हद तक मुस्लिम वोट बैंक को अपने हक में संगठित कर पाने में कामयाब रहे हैं। AIMIM ने यहाँ के 7 शहरों में अपनी किस्मत आजमाई थी, जिनमें से 3 सीटों पर उसे सफलता हाथ लगी है। ओवैसी ने ऐलान किया था कि वो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम और खंडवा में दांव लगाएंगे, जिनमें ओवैसी की पार्टी ने बुरहानपुर, जबलपुर और खंडवा की सीटों पर जीत दर्ज की है। खंडवा शहर की अगर बात करें तो यहाँ के नगर निगम के चुनाव में मेयर से लेकर 11 वार्डों में ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। यहाँ पर मुख्य टक्कर BJP और कांग्रेस के बीच ही मानी जा रही थी, लेकिन बाजी ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मार ली। ये बात दोनों ही पार्टियों के लिए थोड़ी चौंकाने वाली रही। चुनाव से पहले खंडवा में AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी खासे एक्टिव भी नजर आए थे। यहाँ उन्हें खूब पसीना बहाते भी देखा गया था। ABP न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान उन्हें लोगों से अपील करते हुए सुना गया था कि 50 साल तक यहाँ के लोगों ने कांग्रेस और BJP को जिताया है, लेकिन अब की बार उन्हें कौम का साथ देना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा था कि उनकी पार्टी AIMIM मध्य प्रदेश में अपने लोगों को हक दिलाने के लिए आई है। जानकारी के मुताबिक खंडवा के प्रत्याशी शकीरा बिलाल ने वार्ड नंबर 14 छत्रपति शिवाजी वार्ड से 285 सीटों से जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में AIMIM बेशक सीमित सीटों पर ही जीत पाई हो, लेकिन उसके लिए ये छोटी सी सफलता भी बहुत खास है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।